एसवी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज चौका मुर्दहा वाराणसी के परीक्षा वर्ष 2021 में कक्षा 10 व 12 का परीक्षा फल 100% रहा है। हाईस्कूल में अधिकांश छात्र 82% तथा इंटर अधिकांश छात्र में 80% से उत्तीर्ण हुए हैं। हाईस्कूल में कविता पटेल ने 89.5% अंकों के साथ तथा इंटर में आलोक पटेल ने 83% अंक के साथ उत्तीर्ण होकर विद्यालय के साथ साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम प्रीति यादव। किस क्लास में है? 12th में। किस स्कूल से? एसपी स्कूल। अच्छा, कैसा रहा इस बार परफॉर्मेंस रिजल्ट का? सर बहुत ही अच्छा रहा, मेहनत तो बहुत ही रहा लेकिन परीक्षा नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन टारगेट तो रहा ही है। अच्छा, टारगेट रहा है आपका। सर रिजल्ट कितना परसेंट रहा आपका इस बार? इस बार 81%। पिछले जब 10th में आप थी अपना, उसके अपेक्षा इस साल कैसा रहा रिजल्ट? उस बार तो मेरा 80 आया था, इस बार 81 पॉइंट आया है। अच्छा, जैसे देखा जाए इस बार कोविड में एग्जाम नहीं हुआ था अपना, तो एग्जाम अगर होता तो आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाती या न होने से अच्छा कर पाई हैं? होता तो अच्छा कर पाती। होता तो और अच्छा कर पाती। यस सर। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? 81% पाए, श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? इस मेहनत का फल किसको देना चाहती हैं जो इतना मेहनत करने के बाद नंबर आया? इस स्कूल को, इस विद्यालय को। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? प्रतिभा यादव। किस क्लास में है? 12th। कितना नंबर रहा इस बार? 79। जैसा देखा जाए इस बार कोविड में एग्जाम नहीं हुए अपना, पिछले साल एग्जाम हो चुके थे उसके बाद कोविड आया, इस बार न होने के चलते जो है होने के चलते इस बार एग्जाम नहीं हो पाए अपना। परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा? अगर होता तो अच्छा था या नहीं होने के बाद? होता तो अच्छा था। आप अपने नंबर से संतुष्ट हैं? जिस हिसाब से मेहनत किए थे संतुष्ट हूं। जिस हिसाब से मेहनत किए थे, श्रेय किसको देना चाहती हैं इस बार? विद्यालय को। क्या आपका वर्ग रहा अपना 12th में? साइंस था या कॉमर्स था? बायो था। बायो के और पेपर में नंबर कैसा रहा अपना? नंबर कैसा रहा? नंबर नहीं देखे। 81% रहा। कितना रहा? 79। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। कोविड-19 में परीक्षाएं नहीं हुई है, इसके पर आपका क्या, कितनी भी कठिनाइयां आपका सामना करना पड़ा? सर हम लोग तैयारी तो बहुत किए थे, उसके हिसाब से रिजल्ट भी सही आया है, और अगर होता तो और अच्छा शायद कर पाते। इसका जो हम लोग जो रिजल्ट में नंबर मिला है हम लोगों को, उसका श्रेय हम लोग के विद्यालय को जाता है। बोलिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजरी भारद्वाज है। किस स्कूल से है और किस क्लासेस में? एसपी इंटरमीडिएट कॉलेज से। आज आप लोगों का रिजल्ट निकला है, क्या कितनी खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं हम लोग। कितने परसेंटेज आए हैं? 86%। आपके रिजल्ट से आप क्या संतुष्ट हैं आपके नंबर से? तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, माता पिता या फिर विद्यालय? माता पिता। मैं संजय सिंह, प्रिंसिपल एसबी कॉलेज। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला है 10th और 12th का, विद्यालय का क्या प्रदर्शन रहा है आपके? हाई स्कूल इंटर दोनों में विद्यालय का 100% रहा है, और बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे टीचरों ने अध्यापन में काफ़ी मेहनत किया, जिसका परिणाम रहा कि अधिकांशतः बच्चों ने खासतौर से हाई स्कूल में 82% ज़्यादा गेन किया है नंबर। हाईएस्ट 89 लगभग 90% गया है, जबकि इंटर में 80% ऊपर अधिकांशतः बच्चों ने गेन किया है। 100% बच्चे सफल रहे हैं और 83% हमारे विद्यालय खरीद गए। देखा जाए पिछले साल लॉकडाउन होने से पहले एग्जाम हो चुके थे और इस बार एग्जाम नहीं वाला था तो लॉकडाउन लग गया। अगर एग्जाम हो जाता तो क्या प्रदर्शन रहता पिछले साल के पीछे? पिछले साल में विद्यालय प्रदर्शन अच्छा था, यदि ऑफलाइन तरीके से एग्जाम होता तो मुझे विश्वास है बच्चों का और भी अच्छा प्रदर्शन होता, क्योंकि तैयारी अच्छी कराई गई थी। बोर्ड एग्जाम उसको 3-3-4-4 बार लिया गया था। बोर्ड द्वारा केवल एक ही बार प्रस्तावित था, लेकिन हमने बच्चों के भविष्य को देखते 2-3 बार रिपोर्ट एग्जाम लिया था, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा संभावना थी। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट अच्छा रहा है, संतोष वाली बात रही है, और हम यही कामना करेंगे खासतौर से इंटर के बच्चे जो पास आउट करा हुए हैं
वो अपना जो भी भविष्य तय किए लक्ष्य जो भी तय किए होंगे अपना लक्ष्य पाए। इस बार चूंकि कॉलेज बंद हो चुके थे लॉकडाउन में अपना परीक्षा होने से पहले, तो बीच में जो है ऑनलाइन क्लासेज का क्या प्रोसेस था? ऑनलाइन क्लासेज चली थी, हमारे विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज चली थी, जिसका जो जिला विद्यालय अच्छे को उन्होंने सराहना किया हुआ था। जी जी, जो रेटिंग लघु बनाते हैं उनमें विद्यालय के अच्छी पोजिशन में रेटिंग में डाले थे उन्होंने, और काफ़ी वीडियो हमारा प्रसिद्ध हुआ था इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक विद्यालय का वीडियो गया था, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करने का। लेकिन ऑफलाइन की पढ़ाई होता है उसका अपना अलग महत्व है। इस बार क्या लगा ऑनलाइन जैसे क्लास चला अपना, तो उसका लाभ जो है बच्चों को मिला? कुछ बच्चों के पास तो सुविधाएं हैं जिसका लाभ वो ले पाए, लेकिन क्योंकि ग्रामीण एरिया है इसलिए अधिकांश बच्चों को ये पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाया, जितना होना चाहिए लाभ वो लाभ नहीं मिल पाया, इसलिए हम यही आशा करते हैं भविष्य में जल्द से जल्द आपसे स्कूल खुले। बच्चों को रिजल्ट निकला है चूंकि छात्रों का, आपको विद्यालय के क्या शुभकामना देना चाहते हैं बच्चों? हम बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए, पुनः उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके गार्जियन से ही कहना चाहेंगे बच्चे जो भी अपने चेष्टा से पढ़ना चाहेंगे उनको ही करेंगे ताकि अपने लक्ष्य